अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़करिया मुखातिब, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं इस वक्त वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मौजूद हूँ, जो कि हुबेई प्रोविंस के वुहान सिटी में है, और वुहान सिटी हुबेई प्रोविंस का कैपिटल है। वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आज मैं स्टूडेंट से भी बात करवाऊँगा आपकी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की डोमेट्री भी दिखाऊँगा, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी दिखाऊँगा, यूनिवर्सिटी का माहौल किस तरह का है, यहाँ पर स्टडी इन्वायरमेंट क्या है, और यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आना क्यों पसंद करते हैं। इस यूनिवर्सिटी की खासियत एक ये भी है कि इस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो पूरी दुनिया में 950 है, यानी दुनिया में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इतनी यूनिवर्सिटीज़ में से वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 950 है। तो उससे पहले मैं आपको वुहान के बारे में बता दूँ कि जो वुहान सिटी है वो हुबेई प्रोविंस का कैपिटल है और पूरे सेंट्रल चाइना का सबसे बड़ा सिटी है। वुहान को वुहान क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मेन थ्री सिटीज़ हैं जिसमें वुचांग, हानयिंग और हांगकॉ आते हैं, इन तीनों को यानी कंबाइन करें तो उन्होंने एक स्टम निकाली है वुहान, और वुहान की जो टोटल आबादी है तकरीबन 1,20,00,000 1,25,00,000 के अराउंड है, और ये मेन बिजनेस हब भी है। और इसका जो वेदर है, अभी मैं यहाँ पे मार्च के महीने में आया हूँ, ठीक है, और नॉर्मल ठंड है, सर्दियों में शदीद सर्दी होती है, -3 डिग्री -4 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, और गर्मियों के अंदर यहाँ पर शदीद गर्मी होती है। अच्छा, यहाँ पे मेरी जिन स्टूडेंट से बात की उन्होंने बताया कि सर गर्मियों के अंदर इतनी गर्मी होती है कि दिल करता है कि बंदा अगर स्किन भी उतार दे तो वो भी कम है, लेकिन सर्दियों के अंदर शदीद सर्दी भी यहाँ पर होती है। तो इस वक्त मार्च का महीना, मार्च अप्रैल में टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, जो कि चाइना के अंदर रहने के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस वक्त जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मेन बिल्डिंग है, इससे आगे भी हम चलेंगे, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैं दिखाऊँगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्यों फेवरेट है। और इन द एंड मैं आपको इसकी जो खामी है वो भी बताऊंगा, जो इसकी अच्छी बातें हैं वो भी बताऊंगा, आपके सामने सारी चीज़ें बिल्कुल खोल के रख दूंगा, जिससे ये कि आपको डिसीजन लेने में बड़ी आसानी होगी कि इन फ्यूचर अगर आप वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आना चाहें तो इधर आपको आना चाहिए, लेकिन नहीं आना चाहिए। और यकीन करें, चाइना की कोई भी यूनिवर्सिटी है उसमें खूबियाँ ढूँढेंगे तो वो आपको ज़्यादा मिलेगी, खामी थोड़ी बहुत हर जगह पर होती है, कोई भी जगह परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए। और आपको पता है कि हम खुल के आपके सामने सारी बात रखते हैं, ताकि जब आप एडमिशन लेने लगे तो उससे पहले आपको उस जगह के बारे में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी डिटेल्स पता हो। तो आगे चलते हैं, फिर विज़िट करते हैं, फिर आपको सारा आइडिया भी हो जाएगा, और इन देंड में आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। आ जाए, अभी मैं आपकी आमिश से बात करवाता हूँ। आमिश वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, तो आमिश से पूछते हैं कि वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में माहौल किस तरह का है, स्टडी किस तरह की है। तो आप इसकी ज़ुबानी सुनेंगे जो यहाँ पे रह रहा है, पढ़ रहा है, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक एक्सपोजर मिलेगा यूनिवर्सिटी के बारे में, फिर इसके बाद मैं आपको सारी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा। तो आमिश, पाकिस्तान में आप किस जगह से हैं? मैं बिहाड़ी से हूँ, मेरा फाइनल ठीक है। आमिश, आप पाकिस्तान में किस जगह से हैं? मैं बिहाड़ी से हूं। बिहाड़ी से। अच्छा आमिश, आपको वुहान यूनिवर्सिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में किसने बताया था? मैंने सुना था अपने दोस्तों से, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और वुहान का नाम बड़ा प्यारा था, इस वजह से मैंने। ठीक है। अच्छा आमिश, आपको यहाँ पे माशाल्लाह 5 ईयर्स हो गया, और बीच में मेरा ख्याल है 2-3 साल आप कोविड की वजह से पाकिस्तान रहे होंगे, ठीक है। तो वुहान यूनिवर्सिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? अभी जो अच्छी बात लग रही है, इन्होंने फॉरनर जो हैं उनके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, बड़े अच्छे क्लासरूम फर्निश्ड और नई बिल्डिंग्स बनाई है। मेरे ख्याल से तो चाइनीज़ को इतनी सहूलतें नहीं मैसर जितनी इन्होंने अभी हमें कर दी है, ठीक है। तो मैं तो बड़ा रिकमेंड करूँगा कि अभी यहाँ पर आना चाहिए, मगर जब हम आए थे तो तब यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इवन के बड़ी हमारी जो क्लासेज होती थी इस बिल्डिंग में थी, ठीक है, मगर इतनी वो अच्छी नहीं थी। अच्छा आमिश, मैंने क्योंकि अभी एंटर ही हूँ तो यूनिवर्सिटी का कैंपस तो बहुत बड़ा लग रहा है, तो आपको अंदाज़ा है कि यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे मेरे चाइनीज़ और फॉरेनर्स मिलाकर? टोटल 15,000 के करीब। 15,000 के करीब यानी ओवरऑल यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो फॉरेनर्स हैं कि चाइनीज़ टीचर्स हैं? जब हम आए थे तब इन्होंने हमें फॉरेनर टीचर्स दिए थे, मगर फिर कोविड आ गया तो फिर मिक्सअप कर रहा था, हम कहते रहे तो प्रोवाइड करेंगे, कभी मिल जाते थे कभी नहीं मिलते थे, तो काफ़ी इशू चल रहे थे, मगर अभी लग रहा है कि जिस तरह इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है हम पे, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कुछ अच्छा ही होगा। यानी अभी जो आपको पढ़ा रहे हैं वो चाइनीज़ टीचर पढ़ा रहे हैं, और इन नियर फ्यूचर यहाँ पे फॉरेन टीचर्स आ जाएंगे, राइट? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा, जो चाइनीज़ टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उनकी आपको समझ आती है कि नहीं आती? यानी क्योंकि हमने यानी बच्चे अक्सर कहते हैं
कि जो चाइनीज टीचर्स होते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती और वो हमें सही से पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो हमें ये टीचर प्रोवाइड करते हैं प्रोफेसर वो बड़े हाई क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है, तो उनका अगर हम एक्सपीरियंस देखते हैं, जब हम वीडियोज देखते हैं किस तरह ऑपरेशन करते हैं या जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बड़ा हाई लेवल होता है, ठीक है, वो कोशिश पूरी करते हैं, कुछ हम भी अपनी तरफ से हिम्मत करते हैं तो बस कॉपरेट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये मेरा डिफरेंट और भी यूनिवर्सिटीज में एक्सपीरियंस है कि इवन कि अगर टीचर चाइनीज स्पीक हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको इंग्लिश नहीं आती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वही चाइनीज टीचर्स पढ़ाते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, और अगर आप MBBS के स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मेन जो चीज़ है वो आपका प्रैक्टिकल वर्क है, आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, और सबसे बड़ी बात आपकी सेल्फ स्टडी है। अगर आपको यहाँ पे आके डार्विन खुद भी पढ़ाने लग जाए ना और आप सेल्फ स्टडी ना करें तो यकीन करें आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, और अगर आपको यहाँ पे कोई भी ना पढ़े आपकी सेल्फ स्टडी अच्छी हो, दिन की आप 2-3-4 घंटे आप कंटिन्यूसली रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ दे रहे हैं तो आपको कुछ नहीं भी आता तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा। अच्छा आमिर साहब, ये बताएं कि यहाँ पे खाने का क्या, हलाल फूड मिल जाता है? हलाल फूड मिल जाता है मगर मोस्टली हम कुकिंग करते हैं, मगर फिर भी मुझे सही से बताना क्योंकि मैंने आगे जाके ये सारा अपनी ऑडियंस को दिखाना भी है, ठीक है। शिनजियांग रेस्टोरेंट है, मुस्लिम फूड हलाल फूड मिल जाता है, पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट है यूनिवर्सिटी के आसपास, यूनिवर्सिटी के आसपास है, हर चीज अवेलेबल है यहाँ, ठीक है। तो ठीक है अमिश, सोना इस वक्त बाकी आप हमें आए यूनिवर्सिटी का टूर दिखाएं, टूर करवाएं, और बाकी आपके सामने सारी यूनिवर्सिटी की मैं हर चीज़ रखता हूँ तो आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा कि वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो अच्छी चीज़ें हैं वो क्या हैं और जो इसकी खामियाँ हैं वो क्या हैं। बाकी इन द एंड डिसीजन आपका है, आए आगे चलते हैं, बहुत शुक्रिया। ये सारा क्लासरूम वाला एरिया और आपको भी मैं क्लास दिखाता भी हूँ। वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासरूम इस तरह की हैं, और मेरे लिए बड़ी ये यूनिक चीज़ है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको फर्निश किया हुआ है, यानी कि इनका LED है, ये ग्रीन बोर्ड, और प्रोजेक्टर पे अपने प्रोजेक्ट्स देना चाहे तो वो इजीली दे सकता है यहाँ पे। अच्छा, बच्चों के लिए एक स्क्रीन इन्होंने ये लगाई है, एक स्क्रीन इन्होंने ये लगाई है, और सामने वो ग्रीन बोर्ड प्लस प्रोजेक्टर वाला, और आमिश हमें प्रेजेंट कर रहा है। जी आमिश, ये क्या है? फुली नई डोमेट्रीज बनाई है इन्होंने, और ये इसका मेन बोर्ड है, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है इन्होंने, और सारे क्लासरूम इसी तरह के हैं। अभी उस तरफ आगे मास्टर्स के बच्चों की क्लास हो रही है, मेडिकल के बच्चों की, सारे बच्चे इसी तरह, और ये इसकी एंट्रेंस, ये ऑलरेडी क्लास हो रही है, ये देखें फॉरनर्स बैठे हैं सारे। ये वॉशरूम्स हैं जिस तरह होते नहीं बड़े बड़े होटल्स के वॉशरूम्स, यानी इस तरह के वॉशरूम्स बनाए हैं इन्होंने। ये आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ कि ये चाइनीज़ बच्चों की क्लास हो रही है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने माशाल्लाह। ये वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंटरनेशनल स्कूल है, और यहाँ पे नॉर्मली टीचर्स के ऑफिसेज हैं उनके ऑफिस वर्क के लिए, ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ वुहान साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट, यानी अगर कभी पेरेंट्स वगैरह आते हैं चाइनीज़ के या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के या उनके फैमिली मेम्बर्स आते हैं या कोई बच्चों का ऑफिस का काम होता है तो वो यहाँ पर बैठ के वेट करते हैं, और फिर अंदर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाके अपना काम सारा करते हैं। ये चाइनीज बच्चों की क्लासेस हो रही हैं, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है ये, और ये नई बिल्डिंग बनी है, पहले इनके ऑफिसेज दूसरी जगह पे थे लेकिन अभी ये रिसेंटली इन्होंने नई बिल्डिंग बनाई है, आइए अब दूसरी जगह पे चलते हैं। ये क्लासरूम्स जहाँ पे बच्चों के हैं, और इंटरनेशनल बिल्डिंग में लिफ्ट्स भी लगी हैं ताकि उसमें आसानी से अपनी क्लास में जा सकें। ये लाइब्रेरी की मेन बिल्डिंग है और ये सामने मेन एंट्रेंस है, अभी हम लाइब्रेरी के अंदर भी जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि लाइब्रेरी अंदर से देखने में कैसे हैं। ये अंदर से लाइब्रेरी है, यहाँ से हम एंटर हुए हैं, अपना सिक्योरिटी क्लियरेंस करके, यानी वो चेक करते हैं ना कि ये बंदा इस यूनिवर्सिटी का ही है, मैं तो चलिए इस यूनिवर्सिटी का नहीं हूँ और फॉर द सेक ऑफ वीडियो इन्होंने अलाउ कर दिए, और ये चेक करें लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी के 5वें फ्लोर पे रिसर्च रूम है, और ये आपको मैं लाइब्रेरी के 5वें फ्लोर से इसका व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ पे आने वाला बच्चा कैसे मुमकिन है कि ना पढ़ाई करे, इतने खूबसूरत व्यू में। वो देखें, वो सामने आपको पूरा वुहान सिटी नज़र आ रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये बीच में रिवर है, मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल है ये यांगजे रिवर है, और ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये एक स्टेडियम बना रहे हैं इंटरनेशनल लेवल का,
मेरे लिए तो बड़ा इम्प्रेसिव है, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए या किसी भी स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी बहुत अहम है, क्योंकि रूम के अंदर आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं, डिफरेंट काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने क्लासरूम से बाहर पढ़ना हो तो नो डाउट लाइब्रेरी इज़ द बेस्ट प्लेस। अब आगे चलते हैं, आपको मैं आगे जाके बाकी चीज़ें दिखाता हूँ इस यूनिवर्सिटी। ये वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डॉर्मेट्री का सेक्शन है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है और इस तरफ चाइनीज स्टूडेंट्स रहते हैं, और यहाँ से आप अंदर, अभी आपको अंदर जाके मैं इनके रूम्स भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे बच्चे जो रहते हैं उनके रूम्स किस तरह के हैं। और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, देखें ये सामने दरख्त लगे हुए हैं और इसके ऑपोजिट साइड पे वो भी सारी डोमेट्रीज हैं जो गाड़ी की उस तरफ आप नज़र आ रही है आपको। और ये इधर कोने पे जहाँ पे वो हीटर लगा हुआ उसके पीछे वहाँ पे जिम भी है, बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे आप इस तरह इसकी एंट्रेंस करते हो जो यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं। नहीं हाँ भाई, यहाँ पे आप ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डोमेट्रीज हैं सारी। अभी आपको अंदर जाके इनके मैं रूम्स भी दिखाता हूँ किस तरह के हैं। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? आई एम फाइन ब्रो। ये यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के डोमेट्रीज हैं, ये आपको मैं एक रूम दिखाता हूँ। एक ये रूम है, इन्होंने बेड वगैरह खोला है। शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे मिजाज है? ठीक है, ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे इनको बेड दिए थे इन्होंने खुद ही खोल के, उसको नीचे बिठाया हुआ है क्योंकि वहाँ पे ये नीचे सोते रहेंगे घर में। और ये रूम है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। एक बेड ये है, एक बेड इस तरह, सात स्टडी टेबल्स दिए होते हैं बच्चों के लिए, एक यानी दो स्टडी टेबल्स और साथ ये कबर्ड्स ताकि ये अपने कपड़े वगैरह लटका सके। ओके सर, थैंक यू। यूनिवर्सिटी का मेस है, यहाँ पे आपको हलाल फूड भी मिल जाएगा, चाइनीज़ खाना भी मिल जाएगा, और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। ये देखें, ये वुहान यूनिवर्सिटी के अंदर मेस है, ठीक है, यानी आप कहीं पे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बाहर रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप ऑर्डर दें और ऑर्डर देने के बाद यहाँ पे सुकून से बैठकर आप खाएं। आपको केक्स मिल जाएंगे, पेस्ट्रीज मिल जाएंगी, ब्रेड्स मिल जाएंगी, ये देखें। अच्छा, मीठे ब्रेड्स में, मीठी चीज़ों में भाई चाइनीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। ये वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे टेनिस, बैडमिंटन, डांस, ये बैडमिंटन की प्रैक्टिस कर रहे हैं ये, जिसका उसका प्री वर्कआउट होता है वो। भाई ऐसे माहौल में कैसे पॉसिबल है कि बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो? यानी जब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही हो एक अदारे की तरफ से, तो ऑटोमेटिकली दिल करता है कि बच्चा कोई ना कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। और ये इसके साथ बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, वो साथ आपके वो दूसरा प्लेग्राउंड है। और ये चाइना की आलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में ही आपको इसी तरह के बास्केटबॉल कोर्ट्स और प्लेग्राउंड्स सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और वो वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्लेग्राउंड है, ये यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है, सुबह के टाइम या शाम के टाइम स्टूडेंट्स यहाँ पे जॉगिंग वगैरह करते हैं। ये यूजली 400 मीटर्स का ट्रैक होता है, और वो सामने जो फुटबॉल खेलते हैं उनके लिए नेट लगाया है इन्होंने, और मल्टीपल नेट्स लगे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स डिफरेंट टीम्स बना के आपस में फिर यहाँ पर मैच खेलते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे ना, ये यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन है, और ये आर्ट म्यूज़ियम भी इसके अंदर ही है। अभी अंदर जाके मैं इसका आर्ट म्यूज़ियम आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें यार, क्या क्रिएटिविटी है यहाँ पे, यानी जो आर्ट एंड डिज़ाइन के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो लर्निंग करते हैं, उनको जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो यहाँ पर प्रजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट एग्जीबिशन वगैरह भी होते हैं, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को मैक्सिमम बूस्टअप कर देती हैं। ये देखें, अंदर पेंटिंग्स वगैरह भी हैं डिफरेंट, जो जो इंसान सोचता है। ये देखें डिफरेंट हॉल्स हैं, और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने डिज़ाइन किया बस। और ये यूनिवर्सिटी के अंदर आर्ट्स एंड म्यूज़ियम है ये, यानी अगर हम इसको डिफरेंट कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत आगे है। ये देखें, ज़बरदस्त, ये चेक करें, ये डिफरेंट छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इन्होंने डिस्प्ले पे लगाए हैं यहाँ पे, जबरदस्त भी जबरदस्त। ये इस वक्त वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड
टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारी लेक है, इसके बैक साइड पे क्वांगजिया कू लेक है, वहाँ से पानी यहाँ पर आता है और सर्दियों के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वो इसके अंदर मछलियाँ छोड़ देती है, छोटे छोटे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर इस लेक में से मछली निकाल के पूरी यूनिवर्सिटी में वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। वो सामने आपको जो नज़र आ रहा है वो चाइनीज़ की डोमेट्रीज हैं, उस तरफ चाइनीज़ मेस है, इस तरफ प्लेग्राउंड है और उस तरफ अगेन चाइनीज़ की वो बिल्डिंग है वहाँ पे। और यूनिवर्सिटी के अंदर लेक हो तो वो उस यूनिवर्सिटी की खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा कर देती है माशाल्लाह। और अभी स्प्रिंग भी चल रहा है तो देखने में यानी अल्फाज नहीं है मेरे पास कि कितना खूबसूरत इस वक्त व्यू लग रहा है यहाँ पे, वेरी मच प्रीटी अमेजिंग यानी माशाल्लाह ब्रिलियंट। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सर आपका कौन सा ईयर है? सिक्स्थ ईयर माशाल्लाह, गुड लक सर। फाइनली आपने सारी यूनिवर्सिटी का व्यू कर लिया और अब आपको पता है हर वीडियो के एंड पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और इसको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर करता हूँ ताकि उसमें क्या आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो अगर यहाँ पे हम इसकी खूबियों की बात करें तो जो इसके क्लासरूम्स हैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है यानी फुली फर्निश्ड है, हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, स्क्रीन हैं जैसा कि आपने वीडियो में पीछे देखा भी है। तो ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है क्योंकि नॉर्मली जो क्लासरूम होते हैं उनमें सिर्फ ग्रीन बोर्ड होता है और मैक्सिमम या एक प्रोजेक्टर होता है लेकिन कम स्क्रीन नहीं लगी होती पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए, एक इसकी ये बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा यहाँ पे हलाल फूड बआसानी दस्तियाब है, आपको आपने पीछे देखा है कि यहाँ पे शिंजानी मुस्लिम रेस्टोरेंट्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे चाचू बिरयानी वाले भी हैं, वो भी बंद थे अगर क्योंकि उसने शाम को खुलना है, तो अगर वो भी इस टाइम खुला होता तो मैं आपको वो भी दिखाता। बाकी जो वुहान के यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जिनका जो टेस्ट है बिल्कुल प्योर पाकिस्तानी इंडियन जैसा, ठीक है, तो खाने का भी यहाँ पे मसला नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है, आपने देखा पीछे कि यूनिवर्सिटी में लेक्स भी हैं, बड़े खूबसूरत एक स्टेडियम बन रहा है, यहाँ पे जिमनाजियम है, यूनिवर्सिटी का म्यूज़ियम है, तो ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर होना एक बड़ी यूनिक चीज़ होती है। और लाइब्रेरी तो वो आपने देख ही लिया किस तरह की है। और अगर हम इसकी खामियों की बात करें तो जो मुझे खामी यहाँ पे नज़र आई है वो ये कि यहाँ पे मल्टीपल नेशनैलिटीज़ नहीं है, यानी यहाँ पे आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, यहाँ पे आपको घाना के, तंजानिया के, कोंगो के, जिम्बाब्वे के, यानी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के स्टूडेंट मिलेंगे, लेकिन कैनेडियंस, अमेरिकन, रशियंस ये वाली जो नेशनैलिटीज़ हैं वो यहाँ पे अभी इस वक्त नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि इन नियर फ्यूचर वो यहाँ पर उनको भी एडमिशन दिया जाएगा। और बाकी यहाँ पे अगर एक और खामी की बात करें तो कोविड के बाद बड़ा यूनिवर्सिटी ने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है आउटसाइडर कोई भी, ये अच्छी चीज़ भी है लेकिन मैं इसको खामी में कहूँगा कि यूनिवर्सिटी को हर स्टूडेंट के लिए ओपन होना चाहिए। अगर कोई साथ वाली यूनिवर्सिटी का भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आना चाहे, यहाँ के ग्राउंड्स से, प्ले ग्राउंड से, जिमनाजियम से फ़ायदा लेना चाहे तो उसको लेने देना चाहिए। तो बाकी आपने सारा यूनिवर्सिटी का टूर कर लिया तो आपने अगर यहाँ पे एडमिशन लेना तो इन टाइम स्टडी एडवाइज़र्स आपको पता है वन एंड ओनली पाकिस्तान की बेस्ट कंसल्टेंसी कंपनी है जो कि चाइना की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं सिर्फ उन्हीं में एडमिशन करवाती है। तो अभी के अभी इन टाइम स्टडी एडवाइज़र्स की टीम से कॉन्टेक्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएँ ताकि जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो एज सून एज पॉसिबल उसको फिनिश किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में और डिफरेंट एनवायरनमेंट के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।